गाइस आईपीएल 2021 का मिनी ऑक्शन अब जल्दी थोड़े दिनों बाद हमें होता हुआ दिखने वाला है। 18 फरवरी को ये ऑक्शन होगा। काफी कम समय बचा है, सभी टीमें इस ऑक्शन की तैयारियां कर रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम भी इस ऑक्शन की तैयारियां कर रही है। वहीं पर आरआर की टीम ने अपनी टीम में से कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है और आरआर की टीम के पास काफी बढ़िया अच्छा खासा पर्स बैलेंस भी बचा है। और आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में वो कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदती हुई नजर आएगी। तो गाइस आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में आरआर की कैसी स्ट्रेटेजी होने वाली, यानी कि वो किन किन खिलाड़ियों को टारगेट करेगी, उसके ऊपर ये कम्प्लीटली वीडियो है। तो उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज आपको हर रोज मिल रहेगी। और गाइस जब भी मैं वीडियोज डालूंगा तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल रहेगी। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के पर्स बैलेंस और अवेलेबल स्लॉट्स के बारे में। तो गाइस आरआर की टीम के पास जो पर्स बैलेंस बचा है वो है दोस्तों 37.85 करोड़। जी हाँ दोस्तों, उसमें 3 करोड़ ऐड हुए हैं क्योंकि रॉबिन उथप्पा की ट्रेड हो गई है। और दोस्तों 9 स्लॉट्स अवेलेबल हैं आरआर के स्क्वाड में, उसमें 3 ओवरसीज़ खिलाड़ी होंगे और 6 इंडियन खिलाड़ी हैं। तो आरआर की टीम के लिए जो 3 ओवरसीज़ खिलाड़ी होंगे जो आरआर की टीम टारगेट करेगी, उसमें एक बल्लेबाज होगा, एक ऑलराउंडर होगा और एक बढ़िया फास्ट बॉलर होगा। आरआर की टीम सबसे पहले एलेक्स हिल्स को टारगेट करेगी आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में। आरआर की टीम डेविड मलान के पीछे भी जा सकती है, लेकिन आरआर की टीम जरूर से एलेक्स हिल्स के पीछे ही जाएगी क्योंकि एलेक्स हिल्स पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। आरआर की टीम डेफिनेटली इनके ऊपर बिडिंग करेगी और इनको टीम में शामिल करने की कोशिश करेगी। आरआर की टीम इनको बैकअप के तौर पर रखेगी, जहां पर जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, इन खिलाड़ियों को कुछ होता है तो ये एक अच्छे बैकअप होंगे। उनके काफ़ी तगड़े फॉर्म में भी चल रहे हैं, बिग बैश लीग इनका बहुत बढ़िया रहा है एलेक्स हिल्स का। एलेक्स हिल्स को जरूर से आरआर की टीम टारगेट करेगी और अपनी टीम में शामिल करती हुई हमें नजर आ सकती है। बात करते हम दूसरे खिलाड़ी के बारे में, तो वो है दोस्तों मिचेल स्टार्क। जी हाँ दोस्तों, मिचेल स्टार्क के ऊपर भी आरआर की टीम जरूर से बिडिंग करेगी क्योंकि आरआर की टीम के पास सेकेंड हाईएस्ट पर्स बैलेंस है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के बाद आरआर की टीम के पास ही सबसे ज़्यादा पर्स बैलेंस बचा है। आरआर की टीम भी जरूर से मिचेल स्टार्क के ऊपर बीडिंग करती हुई नजर आएगी। आरआर की टीम को भी एक अच्छा विदेशी फास्ट बॉलर चाहिए, जो मिचेल स्टार्क से बेहतर इस ऑक्शन में शायद ना हो। आरआर की टीम जरूर से इनके ऊपर बीडिंग करेगी, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब की टीम भी बहुत ज्यादा इनके ऊपर बीडिंग करने वाली है और इनके बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ये जा सकते हैं, लेकिन आरआर की टीम भी भरपूर कोशिश करेगी इनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए। वहीं पर गाइस आरआर की टीम एक और खिलाड़ी को जरूर से टारगेट करेगी, वो है दोस्तों क्रिस मॉरिस। जी हां दोस्तों, क्रिस मॉरिस को आरआर की टीम जरूर से अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। आरआर की टीम इनके ऊपर बहुत ज्यादा बीडिंग करती हुई हमें नजर आ सकती है। क्रिस मॉरिस बहुत तगड़े खिलाड़ी है, कोई मिले या नहीं मिले आरआर की टीम को इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जरूर से शामिल करना चाहिए। बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए भी खेल चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए तो इनका प्रदर्शन काफी बढ़िया भी रहा है। आरआर की टीम आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में डेफिनेटली क्रिस मॉरिस के ऊपर बीडिंग करती हुई हमें नजर आएगी और आरआर की टीम को लिए एक बढ़िया फास्ट बॉलर चाहिए जो क्रिस मॉरिस हो सकते हैं। आरआर की टीम और भी खिलाड़ियों को जरूर से टारगेट करेगी, जिसमें दोस्तों नाम आता है जाई रिचर्डसन का। जाई रिचर्डसन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कितना बढ़िया इनका सीजन रहा है बिग बैश लीग का, काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करते जा रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी है जाई रिचर्डसन और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर है, एंड में आके ठीक ठाक हिटे लगा लेते हैं। जाई रिचर्डसन के ऊपर भी आरआर की टीम जरूर से बिडिंग करेगी। आरआर की टीम के टारगेट में रहने वाला है जाई रिचर्डसन। वहीं पर गाइस दूसरे प्लेयर की बात की जाए तो वहां पर नाम आता है कैमरन ग्रीन का। कैमरन ग्रीन को भी ये टीम जरूर से टारगेट करेगी, कैमरन ग्रीन या फिर काइल जेमिसन, इन दो खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी के ऊपर जरूर से बीटिंग करती हुई हमें नजर आ सकती है आरआर की टीम। काइल जेमिसन भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम के लिए काफी ज्यादा डिमांड में है वो भी। अब गाइस बात करते हैं इंडियन खिलाड़ियों के बारे में, तो आरआर की टीम सबसे पहले शिवम दुबे को टारगेट करने वाली है। शिवम दुबे को ये टीम कुछ भी करके अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। आरसीबी की टीम ने इनको रिलीज किया, आईपीएल 2020 में भी इतना कोई इनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन तो नहीं रहा, लेकिन इनको इतने ज्यादा मैचेस भी नहीं खिलाए, इनको टीम से अंदर बाहर किया गया था। आरआर की टीम इनको लेगी, मिडिल ऑर्डर की समस्या दूर करने के लिए इनको जरूर से लेगी। वहीं पर आरआर की टीम करुण नायर के पीछे भी जरूर से जाएगी, करुण नायर के ऊपर आरआर की टीम बीडिंग करती हुई हमें नजर आएगी। करुण नायर के ऊपर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आरआर की टीम इनके ऊपर जरूर से बीडिंग करती हुई नजर आने वाली है, इनको अपनी टीम में जरूर से शामिल करेगी। वहीं पर दोस्तों आरआर की टीम जिस खिलाड़ी को टारगेट करेगी वो है दोस्तों उमेश यादव। उमेश यादव को भी जरूर से टारगेट करेगी आरआर की टीम। बहुत सारी टीमें उमेश यादव के ऊपर बीडिंग कर सकती है, आरआर की टीम भी करेगी क्योंकि उनको एक बढ़िया इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए। आरआर की टीम की जो खिलाड़ी टारगेट में रहेंगे वहां पर
पृथ्वीराज यारा भी होने वाले हैं। पृथ्वीराज यारा 2019 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए खेले थे, वहीं आईपीएल 2020 में इनको खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन ये सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में थे। आरआर की टीम अपने इंडियन फास्ट बॉलिंग के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए इन खिलाड़ियों को जरूर से टारगेट कर सकती है। पृथ्वीराज यारा, उमेश यादव, वहीं पर दोस्तों आरआर की टीम मोहित शर्मा और तुषार देशपांडे, ये चार खिलाड़ियों के इनके टारगेट में जरूर होने वाला है। आरआर की टीम इन चारों ही खिलाड़ियों के ऊपर बिडिंग करती हुई हमें नजर आ सकती है। आरआर की टीम अपनी इंडियन फास्ट बॉलिंग की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए इन खिलाड़ियों के ऊपर जरूर से बिडिंग करती हुई नजर आ सकती है। तो गाइस, आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स की टीम इन खिलाड़ियों को जरूर से टारगेट करने वाली है। ये सारे खिलाड़ी आरआर की टीम के टारगेट लिस्ट में होने वाले हैं। तो गाइज, आपके मुताबिक राजस्थान रॉयल्स की टीम को किन किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए जिससे उनकी टीम बहुत बढ़िया स्ट्रांग हो जाए, उन खिलाड़ियों का नाम आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। वहीं पर गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।